मैं ये जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि आपके हिसाब से आपको कब लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? निर्णय है कि हम ये कोर्ट के जरिए करेंगे। इस साल रामनवमी तक मंदिर निर्माण आप शुरू करा देंगे। इसके पहले आपने बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा 2 साल के भीतर मैं मंदिर बनवा दूंगा। तो जब सब कुछ कोर्ट को करना है तो ये सारे बयान आप किस आधार पे कैसे देते हैं? महात्मा गांधी ने भी 1930 में कहा था 1 साल में मैं स्वराज दूंगा, दिया नहीं, 17 साल लगे। मैं वो है कोर्ट, और कोर्ट देरी करेगी तो मैं क्या करूं? लोग तो बुरा नहीं मानते, जो त्रुटियां ढूंढने में लगे होते हैं ज्यादातर आपकी बिरादरी के लोग। कहा स्वामी जी कि ये फैसला कोर्ट से होगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यही है, पार्टी प्रेसिडेंट भी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं। फिर आपने 22 मार्च को एक ट्वीट के जरिए ये कैसे कहा कि 2018 में राज्यसभा में बहुमत आने पर संसद में कानून लाया जाएगा, लिहाजा मुसलमानों को सरयू नदी के पार मस्जिद बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ये ऑफर फिर आप कैसे दे रहे हैं? तो निश्चित तौर पर अप्रैल या मार्च 2018 में हमें राज्यसभा में भी मेजॉरिटी हो जाएगी तो हम जो है कानून पास कर सकते हैं, और ये और कोर्ट को भी जानना चाहिए, हम अपना सकते हैं, के खिलाफ जाएगी तो हम निश्चित तौर पर हम एक बिल लाएंगे, पास कराएंगे। स्वामी जी और सहमति से बने, कोर्ट के फैसले से बने, हम भी उसका स्वागत करेंगे। मैं भी अयोध्या जाऊंगा पूजा करने वहाँ। ओवैसी साहब, जो उन्होंने स्वामी जी ने कहा, जैसे मैंने कहा कि बहुत उनके बयान हैं, अभी उन्होंने ये भी कहा कि सरयू पार में आप मस्जिद बनवा लें, कोर्ट का फैसले की भी बात की, अपना प्रस्ताव भी दिया उन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सुब्रमण्य साहब अभी अभी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दिए, हम ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकते, वो देख ही नहीं पा रहे हैं, वो ये प्लेटफॉर्म बन नहीं पा रहा है। क्या जवाब देना, ये तो सही बात कह रहे हैं। देख, सही कह रहे हैं।